एक छोटे से गांव में एक फार्मर था जो बम्बू ट्री उगाने के लिए डिटरमिंड था। उसने बम्बू के रिमार्केबल ग्रोथ और रेसिलियंस के बारे में सुना था और इसे उगाने के लिए इंस्पायर हुआ। उसने बीज बोया, रेगुलरली पानी दिया और बैम्बू के ग्रोथ का इंतजार किया। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीने में और महीने सालों में बदल गए। फार्मर के लगातार केयर और एफर्ट के बावजूद जमीन के ऊपर कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, उसे मूर्ख कहते थे कि वो अपना समय एक ऐसे बीज पे बर्बाद कर रहा है जिसमें कोई फायदा नहीं दिखता। लेकिन फार्मर लगा रहा बम्बू की पोटेंशियल पर यकीन करते हुए। 5 लंबे सालों के बाद एक चमत्कार हुआ, बैम्बू ट्री बढ़ने लगा। सिर्फ 6 हफ्तों में वो 90 फीट से ऊपर बढ़ गया। फार्मर की पेशेंस और परसिवियरेंस को आखिरकार इनाम मिला। बम्बू 5 साल तक रूट्स डेवलप कर रहा था, एक मजबूत फाउंडेशन बनाते हुए जो उसकी रैपिड ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। बिल्कुल बम्बू ट्री की तरह पर्सनल डेवलपमेंट भी अक्सर सालों की मेहनत, लर्निंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट मांगता है बिना किसी विजिबल प्रोग्रेस के। मान लीजिए कोई इंसान एक नया स्किल सीख रहा है, जैसे पियानो बजाना। शुरुआती स्टेजेस स्लो और फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती हैं, जिसमें अनेक घंटे स्केल्स और सिंपल सैंग्स प्रैक्टिस करने में लगते हैं। दोस्त और फैमिली को सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं दिखती और वो एफर्ट पे सवाल उठा सकते हैं। लेकिन बिल्कुल बम्बू ट्री की तरह जो फाउंडेशन बनाया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस, डिसिप्लिन और अंडरस्टैंडिंग जो ओवर टाइम एक्यूमुलेट होती है वो आखिरकार एक ब्रेक थ्रू को लीड करती ही है। अचानक वो पियानिस्ट कॉम्प्लेक्स पीसेस बजा सकता है, अपने आसपास के लोगों को अपने इंप्रेसिव टैलेंट से इंप्रेस करता है। ये ग्रोथ जो रैपिड लगती है वो सालों की कांस्टेंट प्रैक्टिस और परसिवियरेंस का नतीजा होती है। बैम्बू ट्री की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी ग्रोथ और ड्रीम्स में जो एफर्ट्स लगते हैं वो वेस्ट नहीं होते, चाहे इमीडिएट रिजल्ट्स दिखाई दे या नहीं। सही सक्सेस अक्सर पेशेंस, परसिस्टेंस और प्रोसेस पर फेथ मांगता है। एंड अगर आपको ये AI इंटीग्रेटेड मोटिवेशनल वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।